लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अरे कबूतर, अरे ये क्या है? लगता है प्रेम पत्र है, चलो पढ़ते हैं। कबूतर चिट्ठी लेकर आया, जरा दिखाना। मुझसे जो भूल हुई उसके लिए मुझे माफ कर दो। तुमसे अकेले में मिलना चाहती हूँ, पद्मिनी। So cute. Hi. Hi. मैं तुमसे ही मिलना चाहती थी, अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए। ये किस लिए? मेरी जान बचाने के लिए छोटा सा तोहफा। क्या तुम मुझे थैंक्स नहीं कहोगे? थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। यू आर वेलकम। देखो क्या है, यही देने के लिए बुलाया था मुझे। अरे यार, ये तो हीरे की है, संभाल के रखना, सैलरी नहीं मिलेगी तो बेच देंगे। बकवास मत कर। खुद अपने हाथों से दी? खुद अपनी उंगली से निकाल के अपने हाथों से दी है। ये कोई मामूली अंगूठी नहीं है, ये है प्यार की निशानी। Hi, Daddy. Hi. Daddy. मेरा बच्चा। क्या Daddy? जब हम मिलते हैं तभी आप प्यार जताते हो। इतने दिनों से एक बार भी आपको मेरी याद नहीं आई। हाँ, रख, 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 चल। Okay, okay. अब मैं यहाँ से तभी जाऊँगा जब तुम्हारी शिकायतें दूर हो जाएंगी, ठीक है? बेटे, अभी अभी तो आए हो और आते ही जाने की बात कर रहे हो, हमेशा की तरह दो दिनों के लिए आए हो। ऐसा नहीं है माँ, तुम्हारी पोती की धूमधाम से शादी करने के बाद ही मैं यहाँ से जाऊँगा, ठीक है? कैसे हो आप अंकल? तुम कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ। वेरी, सफर कैसा रहा भाई साहब? मैं ठीक हूँ, तुम लोग कैसे? जी अच्छा। तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छे। अरे रुक 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 रुक, अरे तू क्या उठाने की कोशिश कर रहा है जो इतनी ताकत लगा रहा है? बहुत भारी है, तो हिल भी नहीं रहा है, लगता है इसके अंदर बॉम्ब है। टिकटॉक की आवाज आ रही है। हाँ, ये तो घड़ी है, इन्होंने कपड़ा क्यों लपेट के रखा है? हाँ, ताकि टाइम बाहर ना जाने पाए। इधर इधर, ये घड़ी बड़ी कीमती है, इस गजनी से इसे बचा कर ले जाओ कहीं और रखो, ले जाओ संभाल के ले जाना। आजा भाई, इसे उठाना है। ए चंद्रू, आजा तू भी, आजा। अरे ये झिंगूर कहाँ चला गया? चल उठाते हैं, संभल कर। हाँ, आराम से। रुको, आराम से, रुको, 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 आराम से, बस बस यहीं पे, यहीं पे रख। अरे चार कदम चला नहीं कि तेरा पूरा का पूरा दम निकल गया। इस बॉटल के अंदर क्या है? सरसों का तेल। सरसों का तेल? इसलिए वो? इसने बोला तेल लाने के लिए, तो मैं ले आया, ये लो तेल। चल फेंक इसे। यहाँ क्यों फेंक दिया इसे? तुमने बोला फेंकने के लिए, तो मैंने फेंक दिया। यहाँ फेंकने के लिए थोड़ी कहा था, कोई आएगा तो फिसलेगा नहीं। और साफ कर इसे, चल पागल, ठीक से साफ कर, दूंगा एक रख। छोड़ दो अभी। कितना मजा आया ना। अब चल इसे उठाते हैं, आ जा। अरे मैंने पकड़ा हुआ नहीं है। ये क्या, क्या तुझे पकड़ना था ना, हट क्यों गया यहाँ से? मैं क्या करूँ, पकड़ने से पहले तूने इसे उठा लिया। बिल्कुल सही, इसने उठाया नहीं, मैंने देखा। तो फिर तू बोला क्यों नहीं? क्योंकि बॉस ने कहा है कि काम के वक्त बोलना नहीं चाहिए। अरे क्या किया,
अरे तुम लोगों का नाश हो जाए, ये क्या सत्यानाश कर दिया तुम लोगों ने? तुम सब यहाँ पर काम करने आए हो या फिर मुझे जिंदा करने के लिए? इतनी कीमती घड़ी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये आवाज कैसी आई यहाँ? क्या हुआ? ये घड़ी 200 साल पुरानी थी और तुम लोगों ने इसे गिराकर तोड़ दिया। भगवान का शुक्र है इतनी पुरानी है, मुझे लगा ये घड़ी नई थी। कमकल, तुम्हें इसकी असली कीमत का पता है? अपने पूर्वजों की दी हुई घड़ी को आज तक मैंने इतना संभाल कर रखा हुआ था, अब बताओ इसे कोई खरीदेगा क्या? नहीं, अब तो इसे कबाड़ी भी नहीं खरीदेगा। चुप! अरे वो लुके पट्टे, तू चुप हो जा। जो होना था हो गया, माफ कर दीजिए सर। तुम्हें माफ कर दूं? माफ कर दीजिए। सुरेश इधर आओ। हाँ मालिक, मैं आ गया। अरे बेवकूफ, तुम इंसान कब बनोगे मालिक? तुम्हें संभाल कर चलना नहीं आता क्या? आपकी आवाज सुनते मेरे पैर अपने आप फिसलने लगते, लगता है डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। डॉक्टर के पास जाकर अपने पैरों को नहीं अपनी आंखें दिखाओ। तेल पर पांव रखोगे तो फिसलोगे नहीं तो क्या होगा बेवकूफ इंसान? तेल? अरे यहाँ तेल किसने बिखेरा रे? और ये घड़ी किसने तोड़ी? मैं समझाता हूँ, लड़के संभाल कर लेकर आ रहे थे, जिस तरह आपका पैर फिसला ये लड़कों के हाथ से फिसल गई बस। तोड़ी फोड़ू कहीं के? मैं तो कहता हूँ बॉस, बिना सोचे अभी इसी वक्त इन्हें यहाँ से दफा कर दो। इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके इन्हें फौरन लात मार के बाहर निकालो। और जो सामान का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई तुम्हारा बाप करेगा क्या? जब तक पैसे वसूल नहीं हो जाते तब तक ये लोग घर छोड़कर नहीं जाएंगे। सर 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 सर, थोड़ी मेहरबानी कीजिए सर, हम लोग गरीब आदमी है सर, ऐसा मत कीजिए, आप तो मान जाइए, समझाइए। समझाने की तनख्वाह नहीं मिलती। सबसे पहले तुम वाउचर पे साइन करो, उसके बाद देखा जाएगा क्या होता है। मालिक, ए, ए, तुम लोगों ने हाथ लगाया तो हाथ काट दूंगा। अरे क्या हुआ? अब क्या तोड़ा तुमने? नहीं सर, ये क्या है? वही चीज है जो पहले टूटी थी। आप जाइए सर, जाइए, मैं कर लूंगा, चिंता मत कीजिए। चलो निकलो यहाँ से। मैंने कहा निकलो, जल्दी निकलो। ए, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? तुझे अफसोस हो रहा है क्या? नाटक करने की जरूरत नहीं है, अफसोस मुझे हो रहा है। चलो निकले यहाँ से, अब जाओ ना। यहाँ प्रॉब्लम की कमी थी जो एक और प्रॉब्लम में डाल दिया। अरे कैसे लोगों से पाला पड़ा है, ये लोग क्या करना चाहते हैं? क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ मुझे, जाओ यहाँ से, जाओ। आए मुझे उड़ाने के लिए। ए, सब लोग यहाँ आओ। ए, तुम भी सब लोग आ जाओ, आओ तुम भी आओ, जल्दी आओ। अरे वहां खड़े खड़े क्या देख रहे हो, जल्दी आओ ना मेरे पास। ए, वो हथौड़ा इसको दो, जाओ और जाकर फर्नीचर निकालो, जाओ। तुम कहाँ जा रहे हो? रुको, तू क्यों रुक गया? जा ना, कहाँ जा रहे थे तू? तो कहा फर्नीचर निकालने? अब तक जो तोड़ा काफी नहीं है क्या? अगर फर्नीचर को हाथ लगाया तो डेड बॉडी जमीन पर होगी। ऊपर जाकर दीवारों के कील निकाल दो, जाओ। और लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कौन सी कील निकालनी है? जिन्हें निकालोगे वो सारी कीलें बेकार होंगी, अब जाओ जल्दी। ए, तुम कहाँ जा रहे हो? कील निकालने के लिए। मेरे बाप, तू मत जा वहाँ, चला इधर। देखो ऐसा है, तुम तुम फिर से आ गया। मैंने क्या कहा था तुझसे? कील निकालने से मना किया उस काम के लिए मैंने इन्हें मना किया, तुझे नहीं। अब कील निकाल, अकल घास चरने गई है, लगता है सब मुझे पागल बना के ही छोड़ेंगे। दुनिया के सारे निकम्मे मेरे पास ही काम करने के लिए चले आते हैं, अब चलो काम करो। ए, वो ब्रश इसे दो, ये काम तुम करो, और तुम इधर आओ, तुम अंदर जाओ। ए, इस पर जरा ध्यान रखो। ए, साफ करना। अरे मुझे नहीं, नीचे साफ कर। अरे जमीन करना, कैसे पागल मिले हैं, सब मेरी जान लेने पे तुले हैं। ए, सर धीरे धीरे, दीवार को दर्द होगा ना? अरे ऐसे काम करेगा तो कैसे छूटेगा, जोर से कर। अंकल, अंकल, मामा, अंकल, इन्हें क्या हुआ? इसके हाथ से थोड़ा इनके सर गिरे। मैंने जानबूझ के नहीं गिरा है, गलती से गिर गया। इनकी सांसें खोल रही है, जल्दी जाके पानी लेकर आ। पानी? पानी? अरे ये गंदा पानी है, जा जाके साफ पानी लेकर आ। अंकल, अंकल, मामा जी, मामा जी, मामा जी। मामा के सिर पे हथौड़ा गिर गया था। ए, मैंने तुम लोगों को इसलिए काम पर रखा था कि मैं दो पैसे बचा लूंगा, मती मारी गई थी मेरी।
उसके लिए मैं खुद ही चप्पल मारता हूँ। इन लोगों पर जरा ध्यान रखना। ओके बॉस, अगर ये लोग काम नहीं करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा। क्या बक रहा है? मैंने ऐसा कहा क्या? ये कोई काम ना करे, ये ध्यान रखना है तुझे। लो भाई, तेरे लिए कूरियर सर्विस आ गया। देख क्या लिखा है। रुक जा। निकम्मा कहीं को। क्या है ये? तुम लोग यहाँ ऑर्केस्ट्रा करने आए हो या पेंटिंग का काम करने आए हो? हमें कोई भी काम करने के लिए मना किया गया है। किसने कहा तुमसे ऐसा? तुमने कहा? अरे किसने कहा बोलो ना। आपने नहीं, मेरे मामा ने कहा है। हाँ ये सही कह रहे, बॉस ने कोई भी काम करने से मना किया है और मुझे नजर रखती है। उसका दिमाग खराब है क्या? उसे बुलाओ यहाँ पर। अरे ओ नालायक कॉन्ट्रैक्टर इधर आ। आया 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 मालिक आया। क्या हुआ? तुम इन्हें यहाँ पर लेकर क्यों आए हो? अरे बाप रे, इन लोगों ने फिर कोई तमाशा किया क्या? ए, मैंने तुझसे क्या कहा था? कहा था कि उनका ध्यान छोड़ो मुझे। अरे आपने तो कहा था कि कोई काम ना करे और मुझे इन पर नजर रखनी है, बोला नहीं था क्या आपने? ऐसा मैंने कहा था क्या? इनकी तो मैं, मैंने तुम्हें कोने में चुपचाप बैठने के लिए कहा था ना। अंकल क्या हुआ बेटी? ए, आपको बुला रही है। क्या हुआ बेटी? अभी गाना कौन गा रहा था? वो पेंटिंग करने वाला लड़का, ये सब टाइम पास कर रहे थे। अब वो गाकर तुम्हें परेशान नहीं करेगा। कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छा गा रहा था, उसे कहो फिर से गाए। ठीक है बेटी, अब यहाँ खड़े होकर देख क्या रहे हो? पद्मिनी ने गाने को कहा सुना नहीं? अब क्या हुआ, सुनाता क्यों नहीं? जबान पर ताला लग गया है क्या? सुना ना, जल्दी सुना नहीं तो। अब मैं आप लोगों को एक सरप्राइज न्यूज देना चाहता हूँ। पद्मिनी यहाँ आओ। मैंने अपनी प्यारी सी बेटी के लिए एक होनहार और काबिल लड़का ढूंढा है, और वो लड़का कोई और नहीं, मेरे खास दोस्त का बेटा है जो लंदन में प्रैक्टिस करता है, डॉक्टर चंद्रमोहन राजा। खुशखबरी जल्दी मिलनी चाहिए। ये लो बेटा। ये सब क्या हो रहा है? चलो निकलते। चलो। ए, वो सही नहीं है। तुझे नहीं चाहती रे वो सिर्फ टाइम पास कर रही थी तेरे साथ, वरना वो सगाई के लिए तैयार नहीं होती। मुझे ऐसा नहीं लगता, जरूर उन लोगों ने उसे बहलाया होगा। तू चुप रे, अगर उसे बहला कर कहने के लिए बोला गया था तो ऐसे स्टेज पर हस्ती क्या? ये बड़े बाप की बेटी अपनी मर्जी से तैयार हुई है। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती हूँ, सबके सोने के बाद तुम मेरे बेडरूम में आ जाना। पद्मिनी मैंने क्या कहा था देखा ना तुम लोगों ने? सुन अरविंद, वो जरूर किसी मुसीबत में, इसीलिए वो तुमसे मिलना चाहती है। मिलना चाहती है? अभी से उसे मिलना तो छोड़ो, उसके बारे में सोचना भी पाप है। चलो सो जाओ, कल सुबह हमें यहाँ से निकलना है। पर चंद्रू चल सोने के लिए चल।